और जिस तरह से जगह जगह नीतीश की यात्रा का विरोध हो रहा है वो विवादों में है। बिहार में इस बार जो तेवर दिख रहे हैं वो नीतीश सरकार के पूरे कार्यकाल पर उनके सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से गुस्सा दिख रहा है उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सरकार की हकीकत क्या है। बिहार बदल रहा है, तरक्की की बुलंदी को छू रहा है बिहार। क्रोध के पैमाने पर देश में नंबर वन बन रहा है बिहार। कामयाबी के इन मिसालों से नीतीश सरकार गदगद नजर आ रही है, मगर अचानक ये क्या हुआ? विशेष राज्य की मांग के साथ शुरू हुई नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा को जनता के इतने विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अगर विकास और बदलाव हो रहे हैं तो क्या वो जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जैसा कि बीजेपी के भीतर से आवाज उभर रही है, सत्ता और जनता के बीच में तंत्र यानी लाल फीताशाही के खुनबे ने असंतोष पैदा कर पूरे खेल को बिगाड़ दिया है, या फिर जैसा कि जेडीयू कह रहा है, विरोध का ये सारा खेल महज सियासी है। बहरहाल इन सारे हालातों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी के लंबे शासन को हटाकर नीतीश के हाथों दो बार सत्ता सौंपने वाली बिहार की जनता को अब नीतीश सरकार से उम्मीद नहीं रह गई है? क्या अब नीतीश के भरोसे पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है? क्या सुरक्षा और न्याय के साथ विकास का सपना उसे नहीं दिख रहा है? रोजगार, रोटी, शिक्षा और बिजली की कमी से जूझती जनता तकलीफ में है, लिहाजा वो कहीं नारेबाजी, कहीं काले झंडे, कहीं चप्पल तो कहीं आगजनी के जरिए अपना विरोध जता रही है। केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे के हक के लिए नीतीश की यात्रा अभी चल रही है, लेकिन इसके साथ ही विशेष नहीं बल्कि अपने सामान्य अधिकारों के हक के लिए जनता का आक्रोश भी दिख रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नए बिहार का ताना बाना महज एक फसाना था, और अब जब 7 साल बाद सुरक्षा और विकास का सपना धीरे धीरे टूट रहा है तो जनता नीतीश कुमार का रास्ता रोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।